अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। अनुपमा पाठक एक भोजपुरी अभिनेत्री थे। 2 अगस्त 2020 को उन्होंने मुंबई के दहिसर अपार्टमेंट में आत्महत्या कर लिया। अनुपमा पाठक का जन्म मंगोलिया 12 फरवरी 1980 को पुनिया बिहार में हुआ था। उनका उम्र 44 है। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके एक बहन और 2 भाई है। वो शादीशुदा थे और मुंबई में अपने पति के साथ रह रहे थे। उन्होंने विभिन्न भोजपुरी टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किए। 2020 में उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्मों में अभिनय किए। COVID-19 लॉकडाउन से पहले वह मैथिली भाषा की एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे थे। वह मुंबई में पंचम थिएटर से भी जुड़े थे। उनके परिवार वाले और दोस्त उन्हें अनु के नाम से बुलाते थे। वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और कैंसर से भी पीड़ित थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले के बारे में बात किए थे। वो एक धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान शिव में गहरी आस्था रखते थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अनुपमा फेसबुक पर लाइव हुए थे, जहां उन्होंने धोखा महसूस करने और किसी पर भरोसा नहीं करने की बात कही थे। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहे थे, यदि आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं कि आप जान देने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी आदमी चाहे वो कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वो आपसे दूर रहने को कहेगा ताकि आपके मरने के बाद वो मुसीबत में ना पड़ जाए। वो आपका दूसरों के सामने अनादर करेगा और मजाक उड़ाएगा, इसलिए कभी भी अपनी समस्या को किसी के साथ शेयर नहीं करे और कभी किसी को अपना दोस्त ना समझे। अभिनेत्री ने कहा, ऐसा व्यक्ति बने इस पर सब भरोसा करे, लेकिन आप किसी पर ना करो। मैंने ये अपने जीवन में सीखा है। लोग बहुत मतलबी होते हैं, लोगों को किसी की परवाह नहीं है। अनुपमा के फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के 2 कारण बताए। इस सुसाइड नोट में लिखा, मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड के विजडम प्रोड्यूसर कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। कंपनी को मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे। कंपनी मेरा पैसे वापस करने में अनाकारी कर रहा है। उन्होंने कथित तौर पर मनीषा नामक एक व्यक्ति का नाम लिए है, जिसने लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपने गृहनगर में 2 व्हीलर ले लिए और फिर कभी नहीं लौटा है। पुलिस में शिकायत दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गया है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।